हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि ये जो 20 कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। थोरोली इनको हमको लर्न करके इनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज ले करके ही एग्जाम में अपियर होना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से CSIR नेट हो, गेट हो या IIT जेम हो, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन इस क्वांटम मैकेनिक्स से हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 20 टॉपिक्स हैं जिनको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर मैंने एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। आई विल रिकमेंड यू दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देख करके आप ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या इन टॉपिक्स पर कमांड आपने कर ली है। अदरवाइज अभी हमारे पास जो 15 से 20 दिन बचे हुए, 15-16 दिन बचे एग्जाम के, उनमें आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल सॉल्व करके ही जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये सिंपल ऑपरेटर्स और फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए लिया हुआ है। ऑपरेटर फंक्शंस की ये यहाँ पर एक हमको ऑपरेटर मिला हुआ है। इस ऑपरेटर और फंक्शन का सॉल्यूशन क्या आएगा, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 2 मार्क्स में ये इस टाइप का क्वेश्चन हर बार होता है। इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके नहीं देखेंगे, क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस होती है सॉल्व करने के लिए। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ऑपरेटर को फंक्शन से सॉल्व करेंगे, तो हमको आंसर जो आएगा वो यहां पर ये आएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस इंडिविजुअली बना रखे हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज वॉच ऑल दोज वीडियोस, ऑल द सीरीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस सीरीज फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोग इस सीरीज को जरूर देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। कम्यूटेटर्स पर भी हर बार एक क्वेश्चन होता है। x टू द पावर 3 dy/dx का कम्यूटेटर हमको सॉल्व करना है। तो कम्यूटेटर सॉल्व करने के लिए उसको साइन फंक्शन के साथ हम सॉल्व करते हैं। इस कम्यूटेटर को सॉल्व करने के बाद हमको जो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा -3x² ये आएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए यदि ये उल्टा कर दें हम, d/dx इधर होता और x की पावर इधर, x पावर 3 इधर होता, तो ये माइनस हट जाता, मींस नेगेटिव यहां से पॉजिटिव हो जाता। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यदि d/dx आगे और x टू द पावर 3 पीछे आ जाता है, तो इसका अपोजिट आंसर आता है, मींस पावर सॉरी साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर्मिशियन। क्या ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है? तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, हर्मिशियन कैसे सॉल्व करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी इंडिविजुअली मैं वीडियो बना चुका हूं। देखिए यहां पर ये HX है, इसकी पावर में हम एक ऐसा हर्मिशियन ऑपरेटर लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। तो यहाँ पर ये जो TX और VX है, काइनेटिक और टोटल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का सम है। इनका कम्यूटेटर अब जब सॉल्व करते हैं तो हमको यही का यही आंसर आता है। इसका मतलब ये क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, मीन्स टोटल एनर्जी ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द आइगेन वैल्यू फॉर द फंक्शन psi = sin kx sin ky sin kz, और ऑपरेटर दिया हुआ है, लैप्लेशियन ऑपरेटर दिया हुआ है। लैप्लेशियन ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर के साथ इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आइगेन वैल्यू क्या आता है, ये पूछ रहा है। आइगेन वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आता है, आइगेन वैल्यू छोड़ना नहीं है। आइगेन वैल्यू जब इसका हम सॉल्व करेंगे, एक लेंथी प्रोसेस होता है सॉल्व करने के लिए। लेंथी क्या, इसको सिंपली हम ऑपरेटर के साथ सॉल्व करते जाएंगे फंक्शन को, तो सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -3k² आएगा। क्या आएगा, -3k². चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपने ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके रखा है आइगन वैल्यू में, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो टॉपिक जरूर देख लीजिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1D बॉक्स ऑफ लिमिट 0 to L/4 लिमिट के 1D बॉक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमको
फाइंड करना है कितना आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपली, उस फॉर्मूले को भी डिराइव करते हैं, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो 0 to L/4 के 1D बॉक्स के लिए प्रोबेबिलिटी आती है 1/4 - 1/2π, ये आती है। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है 9%। कितने परसेंट? 9% प्रोबेबिलिटी होती है 0 to L/4 के लिए। ऐसे ही L/4 के बाद L/4 to L/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, L/2 to L/3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और L/2 to L भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारे फॉर्मूले की हेल्प से हो सकते हैं, वो मैंने आपको सिखा रखा है पहले से ही। फॉर अ 1D बॉक्स एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर PX मीन्स मोमेंटम के ऑपरेटर के लिए एवरेज वैल्यू क्या आती है, मोमेंटम के लिए एवरेज वैल्यू क्या आती है, तो एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर PX इज इक्वल टू 0। इतना ही इसका वैल्यू आता है हर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट द ट्रांजिशन एनर्जी फॉर अ 1D बॉक्स। 1D बॉक्स में ट्रांजिशन एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, हमको एग्जाम में कोई सा भी छोटा सा सम इस पर पूछा जा सकता है और उसमें एनर्जी लेवल्स हमको दे सकता है वो, कि इस एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन हो रहा है, और उसमें हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला है ΔE = H²/8mL² ×N2² - N1² N2 वो वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल है जो हाइयर या एक्साइटेड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट है N1। जिस भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होगा वो यहाँ पर हम लिख लेंगे एनर्जी लेवल और फाइंड आउट कर लेंगे ΔE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ईपाई फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर ब्यूटाडाइन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी मॉडल से लिया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से लिया हुआ है। व्हाट इज द ईपाई, ईपाई कैलकुलेट करने के लिए हमको कह रहा है, ईपाई का फॉर्मूला क्या होता है वो तो यहाँ पर मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ईपाई फॉर द एक्साइटेड स्टेट कितना होता है, 15H²/8mL². थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस आपको करके बता देता हूँ कि ईपाई कैसे निकालते हैं। देखिए, हमको ब्यूटाडाइन मिला हुआ है, मीन्स टू बॉन्ड्स है हमारे पास, टू डबल बॉन्ड है हमारे पास। तो एक तो ये डबल बॉन्ड हुआ, दूसरा ये डबल बॉन्ड हुआ। इसको हम मानते हैं यहाँ पर N=1, इसको हम मानते हैं यहाँ पर N=2, ये हमारे लिए N=3 है। देखिए, जब एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो N=2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के N=3 में चला जाता है। ग्राउंड स्टेट मीन्स N=1 के लिए हमारे पास H²/8mL² फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E=, ये होता है। दूसरे N=2 के लिए हमारे पास 4H²/8mL² होता है फॉर्मूला, और थर्ड के लिए होता है 9H²/8mL², ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल सकेंगे ईपाई निकाल सकें। देखिए, अब ईपाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मीन्स ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 2 लिखा। 2 की एनर्जी कितनी है, H²/8mL² प्लस सेकेंड इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 into, उसकी एनर्जी कितनी है 4H²/8mL² प्लस थर्ड उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1 into, उसकी एनर्जी 9। इससे हमको आ जाएगा 15H²/8mL², ठीक है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर अ 2D बॉक्स इफ LX = LY = L मीन्स स्क्वायर बॉक्स है, दोनों ही लेंथ इक्वल है, स्क्वायर बॉक्स मिला हुआ है, व्हाट इज डीजनरेसी इन N=2 एनर्जी लेवल। देखिए, एक लेंथी प्रोसेस है अब डीजनरेसी कैलकुलेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक स्क्वायर बॉक्स के लिए सेकेंड एनर्जी लेवल में डीजेनरेसी बता रखी है, G=2 मीन्स ये एक डीजेनरेसी क्या रख रहा है, 2 रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ΔE1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मीन्स पर्टर्बेशन थ्योरी से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ΔE1 हमको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछ रहा है फॉर 1D बॉक्स, लिमिट भी दे रखी है 0 to L, एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और L से लेस है। तो यहाँ पर हमको करेक्शन पूछ रहा है सिर्फ 0 से L/2 में पूछ रहा है। कहाँ तक पूछ रहा है, 0 से L/2 में। अब 0 से L/2 में यदि करेक्शन फैक्टर हमको निकालना है तो ये इसका भी एक प्रोसेस होता है। पर्टर्बेशन के ऊपर भी मैंने एक बना रखा है एक वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा, करेक्शन फैक्टर आएगा, वो क्या आएगा, ΔE1 = V/2 आएगा, V/2।
क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इन SHO कंटेनिंग x टू द पावर 3 पोजीशन देन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी विल बी। देखिए ये जो क्वांटम केमिस्ट्री होती है इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत लंबी लंबी फेंकता है वो, लंबे लंबे क्वेश्चन बना करके देता है और बात छोटी सी पूछता है। यहां पर क्या कह रहा है वो कि एक्स टू द पावर 3 यदि पोजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी पोजिशन की पावर ऑड होती है, पोजीशन की पावर ऑड होती है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, डेल इवन इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब कुछ डरावने से क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हुए हैं। डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस को देख करके जब हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है। चलिए सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन से मैंने ये यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सिस्टम आर ई जीरो इज इक्वल टू जीरो, E1 is equal to 4, E2 is equal to 6, E3 is equal to 8. The second order correction to the first excited state in presence of perturbation V, for which V10 is equal to 2, V21 is equal to 4, V31 is equal to 8. ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, the second order correction, हमसे क्या पूछ रहा है वो, second order correction to क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसलिए मैंने यहां पर ये ले लिया E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू E12 इज इक्वल टू। अब देखिए ये यहां पर है पूरा हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डेल H102 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E0। देखो डेल H10 हमको दे रखा है पहले से, ये सॉरी डेल एच 10 हमको कहां दे रखा है, ये दे रखा है 10 पर्टर्बेशन यहां पर दे रखा है, ये है हमारे लिए। डेल एच 12 हमको दे रखा है या 21 दे रखा है, 4 और 31 भी दे रखा है, 8। हमको सिंपली उसका स्क्वायर करके यहां पर पुट करना है, इवन में से सभी को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 को भी, 2 को भी और 3 को भी, E1 माइनस E0, E1 माइनस E2, E1 माइनस E3। मैंने ये पुट किया वैल्यू, यहां पर वैल्यू आ गया मेरे पास -23। ये भी हम याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि जब भी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो पूछेगा तो जो भी मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, क्या आएगी, नेगेटिव। तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, जब हमको ये पता रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो वैल्यू आएगी करेक्शन की वो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव देख करके भी कभी कभी आंसर सॉल्व हो जाते हैं, ABCD में से एक ही हमको नेगेटिव दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो मैंने वेरिएशनल प्रिंसिपल से लिया हुआ है, द हैमिल्टनियन मैट्रिक्स आर गिवन, मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज कुछ हमको फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूले 5152 के लिए दे रखा है, 5151 के लिए दे रखा है, 5252 के लिए दे रखा है, 5152 का मल्टीप्लीकेशन के लिए भी दे रखा है, हैमिल्टनियन को छोड़ करके डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए भी दे रखा है। तो जब ये हमको मैट्रिक्स के लिए दे रखे हैं वैल्यूज, इनको पुट करना है, हमको फंक्शन दे रखा है C1 Ψ1 C2 Ψ2 तो जब ये हमको दिया हुआ है फंक्शन, तो इस फंक्शन की हेल्प से क्या, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर H1 1 H1 2 H2 1 H2 2 इन सब की वैल्यूज रखेंगे हम, E की वैल्यू रखेंगे, S की वैल्यू रखेंगे और पुट करके वैल्यूज ले आएंगे। इस पर भी मैंने एक अलग से वेरिएशनल प्रिंसिपल पर एक वीडियो बना रखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर वैल्यू ले आएंगे, क्या आएगी, मिनिमम एनर्जी फॉर दिस सिस्टम -2 AU आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू हकल थ्योरी से लिया हुआ है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द पाई बॉन्ड एनर्जी फॉर ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन एक सिस्टम हमको देता है, उसमें हमको पाई बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाता है, तो इसके लिए हमको तो थोड़ा सा वेरिएशनल प्रिंसिपल भी देखना होता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल में फिर कुछ वैल्यूज हम पुट करते हैं और उनकी हेल्प से हम पाई बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करके ले आते हैं। तो इसके लिए आएगी ब्यूटाडाइन के लिए पाई बॉन्ड एनर्जी 4.472 बीटा। तो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लेंदी प्रोसेस है, एक वीडियो उसके लिए सेपरेटली मैं बना दूंगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन पाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए एलाइलिक सिस्टम। किसी एलाइलिक सिस्टम में पाई बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो PRS पाई बॉन्ड ऑर्डर
इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सीएनआर इनटू सीएनएस। अभी सीएनआर और सीएनएस क्या है, कार्बन एटम्स है। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। पीआरएस क्या है, पाई बॉन्ड ऑर्डर। सीएनआर क्या है, कॉफिशियंट ऑफ अर्थ कार्बन एटम। एंड सीएनएस है कॉफिशियंट ऑफ एस्थ कार्बन एटम। कॉफिशियंट मीन्स फंक्शन में जो भी कार्बन एटम का हमको कॉफिशियंट दिया रहेगा वो हमको यहाँ पर पुट आउट करना होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई बॉन्ड ऑर्डर। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं फॉर्मूला ही डिस्कस कर पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू फाइंड रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स पर भी, हाइड्रोजन एटम पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हाइड्रोजन एटम के। रेडियल नोड्स फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले सालों में। n-l-1 ये फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियल नोड्स फॉर अ हाइड्रोजन एटम किसी भी एनर्जी लेवल में, हमसे वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है वायरल थ्योरम से, फॉर हाइड्रोजन एटम वायरल थ्योरम है क्या। Tx is equal to 1 minus 1 by 2 Vx, ये फार्मूला होता है वायरल थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 18, डिटरमाइन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 एनॉट इफ फॉर 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियल फंक्शन दिया हो। रेडियल फंक्शन ये दिया हुआ है, इस रेडियल फंक्शन की हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर रख दिया, फंक्शन रख दिया, उस फंक्शन को सॉल्व करके हमने ले आए हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 0.367 डिवाइडेड बाय ए नॉट इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19th क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कंफर्म्ड इन vx इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल का वेव फंक्शन भी दिया हुआ है हमको, वो कन्फाइंड है vx में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, उसका मास m है। साई इज इक्वल टू 1/√5 साई 0 प्लस 1/√5 साई 1 प्लस C2 साई 2। अब ये एक फंक्शन हमको दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमसे वो पूछ क्या रहा है, C2 कैलकुलेट करके बता दीजिए, सिर्फ C2 क्या होगा। C2 ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। C2 फाइंड आउट करने के लिए जब भी हमको कहता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी फंक्शन में जो कॉफिशियंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी हमको दिया हुआ है कोई भी फंक्शन, उस फंक्शन का जो भी कॉफिशियंट्स दिए हुए उन कॉफिशियंट्स का स्क्वायर कर देंगे, उनका सम कर देंगे, जो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब ये हमको 2 तो दे रखे हैं कॉफिशियंट्स, साई 0 के लिए और साई 1 के लिए। साई 2 के लिए कॉफिशियंट हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/5 आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राउंड स्टेट फंक्शन फॉर SHO, ये भी SHO से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। SHO इज ग्राउंड स्टेट फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। फंक्शन क्या होता है, साई 0 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होता है SHO के लिए फॉर्मूला फॉर द ग्राउंड स्टेट फंक्शन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, SHO से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे लाइक करके बताइए, या आप कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन क्वेश्चंस में से यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। इन क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पर लगभग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, एक वीडियो सीरीज पूरी क्वांटम केमिस्ट्री पर बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।